इज वेलकम बैक टू एक्जाम शॉर्टअप चैनल पारामेडिकल विषय में बहुत दिन है वीडियो आम आसीनाला तो एबे आमे जो वीडियोटी रे मापन को कहया को जाउची तो पारामेडिकल एडमिशन ऊपर ही डीएमटी रे जो एप्लीकेशन बाहर छ हमरो तो ऑलरेडी एबे जो प्रोसेस चल छ हमरो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फिजिकली चली छ तो प्रीवियस ईयर कोन इतला ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमर ऑनलाइन रही जेतला फिजिकल वेरिफिकेशन हे नथिला किंतु एई ईयर रे हमर फिजिकल वेरिफिकेशन होउची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जोटा कि हमर जनवरी 2 जाय चलिबो तो वेरिफिकेशन परे कोन सब प्रोसेस आपन को करया को पड़िबो और मेरिट लिस्ट केबे बाहरबो जेहेतु बहुत लेंथी प्रोसेस है कि चली फॉर्म भी बहुत दिन है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होता देन सरी कि वेरिफिकेशन प्रोसेस भी चलती बहुत दिन है तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस पिला मन भी बहुत क्वेरीज रही कि केबे यार नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस सब रहा तो पारामेडिकल कोर्स रे जो सब कोर्स अच्छी तो से सब कोर्स के वेरिफिकेशन सारिकी नेक्स्ट प्रोसेस कौन हम से विषय में डिस्कशन करवा पूरा स्टेप बाय स्टेप तो देखो जो ऑनलाइन कंबाइंड काउंसलिंग अलर्ट मेडिकल पारामेडिकल कोर्सेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइए तो ये मेंशन कर देखो तो हमर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमर अक्टोबर 26 रु नवंबर 29 जाए थिला जोटा कि गोटे मास पाखापाखि टाइम दि जाइए हमर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई देन हमर डिसेंबर 2 तारिख रु देन हमर जो रहिला कि 8 तारिख पर्यंत थिला करेक्शन करने तापर ठूँ आमर वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट जोटा कि डिसेंबर 15 तारीख रु स्टार्ट करके जनवरी 2 तारीख जाए मीनस आउ अल्प दिन ही अच्छी 2-3 दिन अच्छे आपंकर वेरिफिकेशन प्रोसेस बाहरी जाइए आम आप्लिकेसन नंबर हिसाब से कौ कौ पिला कौ कौ डेट्रे वेरिफिकेशन प्रोसेस अच्छी तो 2 तारीख में आमर सरीज वेरिफिकेशन प्रोसेस जोटा कि आमर कैपिटल हॉस्पिटल बिहाइंड आईएमए हाउस होता फिजिकल वेरिफिकेशन फर्दर प्रोसेस आम जाना यापर कौन हम तो देखु आमर पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी रहा प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो स्टेप 1 रु स्टार्ट करके स्टेप 5 पर्यंत आमर ऑलरेडी प्रोसेस सब सरी जाइए ये जो स्टेप गुड़ा ना से सब ऑलरेडी कंप्लीट हो जाक अच्छी जोटा कि 2 तारीख में आम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी सरीज तो यार फर्दर प्रोसेस कौन हम ना पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड रिजेक्ट लिस्ट तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन हुए जो पिलाने किसी फॉल्स डाटा देते हैं कि डॉक्यूमेंट ठीक न थाए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट न थाए से अप्लाई कर देते हैं कि किसी भी जदि भी प्रॉब्लम फाइंड आउट हुए से रिजेक्ट कर दि जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आम कौन हम ना 2 तारीख में जेहतु सर से आम फाइंड आउट हो जाए पर डे रे आम हिस्स मैंने जोटा कि बाहर जाइए कौ पिला रिजेक्ट है कौ पिला जोटा कि वेरीफाई हो तो निहाती 2 तारीख जेहेतु आम सरुची तार 3-3 दिन भितर ही आपंकर मेरिट लिस्ट आसीज एंड रिजेक्ट लिस्ट भी बाहरी मतलब आपंकर मेरिट लिस्ट रे ऑलरेडी मेरिट लिस्ट बाहर जीवो रिजेक्ट लिस्ट को काटिकी जितेक भी पिला अप्लाई करिसेंती जो मानकर फॉर्म रिजेक्ट हेजी तांकर अलग गोटे लिस्ट बाहर जीवो कि एमानकर फॉर्म रिजेक्ट हेगला ड्यू टू दिस रीजन जोटा कि जहाँ भी तांकर डॉक्यूमेंट रे भूल थिबो हो किबा फॉल्स इनफॉर्मेशन पई हो किबा कोनोसी डाटा से फिल अप करिनथिबे सेथिबे तांकर रिजेक्टर लिस्ट बाहर जीवो ऑनलाइन अप्लाई करथे पिला मानको थारु रिजेक्ट लिस्ट बाहरी सल्ला पर आ जतिकि पिला बळेबे तांकर मेरिट लिस्ट बाहरिबो मींस रैंक 1 रैंक 2 एमिति हिसाब रे आपनकर मेरिट लिस्ट बाहरी जिवो आपन निजर रैंक चेक करि परिबे कॉमन रैंक चेक करि परिबे ता सथ आपन जो जो अप्लाई करिसेंती जो जो कोर्स पे मतलब आपन जदि अप्लाई करिसेंती कि डी फार्म पे डीएमएलटी पे आपनकर इंडिविजुअल रैंक भी बाहरिबो ता सथ कॉमन रैंक भी बाहरिबो तो आपनकु गो आईडिया आसी जिवो आपनकर सेही कॉलेज रे हबो कि नाही तो नेक्स्ट रे म आपनकु कहिबी जोटा कि केतरा गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी तो देखो स्टेप 6 गलापर आपर जो मेरिट लिस्ट बाहर जब ना जदि भी मेरिट लिस्ट और रिजेक्ट लिस्ट दुटा जाक देखो जदि भी मेरिट लिस्ट कि आपंकर ना मेरिट लिस्ट ना रिजेक्ट लिस्ट आप चेक करेंगे रिजेक्ट लिस्ट कौन पर रिजेक्ट होती आपको सब वैलिड रीजन लगुनि कि मेरिट लिस्ट जो आपंकर ना अच्छी से आपंकर किसी परसेंटेज हो कि एप्लीकेशन नंबर हो ना हो डेट ऑफ बर्थ हो सब डाटा आप चेक करेंगे जदि भी किसी भूलभाल बाहर आप ग्रीवांस दे पारे मार्क को आग चेक करेंगे कहीं मार्क जो गोटे पॉइंट भी आपंकर कि गोटे नंबर भी एपट सपट हो रैंक भी तौक खसी आसे तेणु मार्क चेक करवा निहाती दरकार आपंकर सर्टिफिकेट मार्क सहित और आपण अप्लाई कला बेले कौनटा फिलअप करते सहीटा भी चेक करेंगे तो ग्रीवांस देवाक आपको पड़ो जोटा कि मेरिट लिस्ट बाहरी सारा ही आपको ग्रीवांस देवाक पड़ो तेणु
आपण मेरिट लिस्ट बाहर क्षण निहाती चेक करूँ जोटा कि सब ठीक ठाक अच्छे कि ना डाटा आपंकर मेरीट लिस्ट्रे ताकि जदि भी किसी भूल अच्छी आप ग्रीवांस दे पारे ग्रीवांस दे कौन हाँ ना जदि भी आपंकर किसी फल्स मेनसन होपर से फाइनाल गोटे मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन हम से आपंकर करेक्शन हो जाइए स्टेट स्टेप एट्रे आम कौन हाँ ना पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाहर देखो सीट मैट्रिक्स आम एजे रिलीज होनी 2022-23 जो एडमिशन ऑलरेडी रिलीज होनी ओनली गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट बाहरी तेणु सीट मैट्रिक्स कौन हाँ ना आम जो कॉलेज रे केतटा सीट अच्छी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ता सहित एससी एस टी जोटा कि जनरल कैटेगोरी एक्स सर्विस मैन के सब कैटेगोरी के सीट अच्छी पूरा बाहर जब आपंकर तो जदि भी जो मैंने जो कैटेगोरी बिलंगस करें जापर ओवरअल कि सीट मैट्रिक्स बाहर तर कौ कलेज हबार बे चान्स अच्छी मेरीट लिस्ट जी जना पड़ो सीट मैट्रिक्स आउटे क्लीअर से जना पड़ज तो जेहेतु आपण प्रीवियस ईयर भी देखिए जोड़ा कि केमर जाइला देन ईयर सहित तो मैच करके ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करा पड़ो तो देखो जो आपंकर मेरिट लिस्ट बाहरी गला सीट मैट्रिक्स भी बाहरी गला एबे आपंकर फर्दर स्टेप है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे एंड लॉकिंग प्रोसेस करेंगे तो डिफरेंट राउंड पाई तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो करेंगे आउ लॉक करेंगे तो चॉइस फिलिंग बेले आपको निज पसंद निज जोड़ा कि जो कोर्स जो जो कॉलेज पढ़ा चाहते गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो पूरा आग नंबर वन करके लिखिक रखिए कि एक नंबर मत ये अप्लाई करार अच्छे दुई नंबर यहाँ को अप्लाई करार अच्छे तीन नंबर ये एमती भाव में देवे आपड़ मैक्सीम चॉइस लॉक कर पारे आपड़ भावे कि मुझे तीन टा चार करी सेमती ना जदि आप गवर्नमेंट ओनली इच्छा अच्छी ओनली गवर्नमेंट देवे जब प्राइवेट इच्छा अच्छे तेल प्राइवेट रे भी देवे जदि दुटे जाक इच्छा अच्छे आग गवर्नमेंट देकी देन प्राइवेट रे भी आपड़ चॉइस लॉक करेंगे तेणु चॉइस लॉकिंग टा है सबुठ मेजर जोटा कि आमर स्टेप ये पे भूल करती कौन ना कि भूलभाल कॉलेज सब देदेवे फर्दर जो से कॉलेज आस पढ़ापर इच्छा हेनी तेणु आपड़ पूर्व ही सब चॉइस लॉक करके जोटा कि जो सीट मैट्रिक्स बाहर जब से आप कौ कॉलेज अच्छी से हिसाब से देखिए वन टू थ्री करके रखने ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टेप आपको भी निहाती गाइड करी केमती आप ऑनलाइन चॉइस फिल करेंगे विथ लॉक करेंगे कौ कौ कॉलेज को बेसी प्रायोरिटी देवे एबू व्यस्त होगा दरकार नहीं। नेक्स्ट आसला स्टेप 10 अलॉटमेंट ऑफ डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर जो चॉइस फिल करदे समस्ते कर सारापर जो डेट सरला नेक्स्ट दिन दु दिन भितर आपंकर अलॉटमेंट लेटर आस कॉलेज होना कौ कॉलेज आपको जो पिमर अलॉटमेंट हो जाने निजर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और एडमिशन नेक्स्ट आपंकर जोटा कि पेमेंट करेंगे बापर कॉलेज को जी प्रोविजनल एडमिशन से हम तो अलॉटमेंट लेटर बाहर सारापर प्रोविजनल एडमिशन होगा फर्दर जी भी सीट बढ़ेगा आमर फास्ट एडमिशन पर मीनस फास्ट एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन पर बहुत पिला अच्छा कौन ना से एडमिशन करेंगे नहीं जो कॉलेज आसते कि भी हुए सीट आम बहुत बढ़ी जाए कि प्राइवेट भी बहुत सीट बढ़ी जाए से स्पॉट राउंड मॉपअप राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड भाव में बाहर तो स्टेप बाहर कौन हम ना जो फास्ट एडमिशन सर जो स्पॉट राउंड बाहर एति की सीट फांका अच्छी देन पब्लिकेशन ऑफ फाइनल एडमिशन लिस्ट बाहर स्पॉट राउंड कौन हम ना जो लिस्ट बाहर एति की सीट फांका अच्छी पुणी नेक्स्ट आपको जो मर कौन भी कॉलेज हो नो कि जो मर निज पसंद होने चाहिए अप्लाई करेंगे स्पॉट राउंड एडमिशन पर आपंकर फाइनाल पब्लिकेशन एडमिशन लिस्ट केते पिला कौ कॉलेज एडमिशन कले सेटा पूरा पब्लिकेशन आउ स्टेप 14 रहा कमेंसमेंट ऑफ कोर्सेस जितने फाइनल एडमिशन लिस्ट बाहर जब नेक्स्ट आपंकर कोर्स स्टार्ट मीन्स आपंकर क्लासेस फर्दर जहाँ भी सब स्टार्ट तो स्टेप 14 प्रोसेस हम एबे जाए आम 5टा ही स्टेप कंप्लीट हाबाक जाउची तो नेक्स्ट बहुत सारा स्टेप अच्छी तेणु नेक्स्ट आम मेरिट लिस्ट को वेट करवा जितने 2 तारीख आम सर तीन चार दिन भितर निहाती बाहरी जब कहीं मेरिट लिस्ट विथ रिजेक्ट लिस्ट तापर आम डिसाइड करवा कौ कॉलेज अप्लाई कराक पड़ो एंड सीट मैट्रिक्स को भी देखिकी तो एबे जानवा आम केतटा गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी कौ कौ कोर्स सहित तो अटाच अच्छी आम देखो डीएमएलटी कोर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अच्छी एससीबीएमसीएच कटक एमकेसीजीएमसीएच ब्रह्मपुर भीमसार बुल्ला पीआरएमएमसीएच बारीपदा बीबीएमसीएच बलांगीर एसएलएन एमसीएच कोरापुट देन आम एफएमएमसीएच बालेश्वर देन एचआरसीसी कटक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देन डीएमएलटी कोर्स भी सेमती एससीबीएमसीएच कटक एमकेसीजीएमसीएच ब्रह्मपुर भीमसार बुल्ला पीआरएमएमसीएच बारीपदा बीबीएमसीएच बलांगीर एसएलएन एमसीएच कोरापुट एंड एफएमएमसीएच बालेश्वर में अच्छी डी फार्म कोर्स ओनली फार्मासी विंग एसबीएमसीएच कटक अच्छी
सर्टिफाइड ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट सीओ एंड सर्जिकल असिस्टेंट सीओ एस ए कोर्स आमर एसबीएमसीएच एमकेसीजीएमसीएच भीमसर बुल्ला एंड कैपिटल हॉस्पिटल भुवनेश्वर अच्छी सेम डिप्लोमा परफ्यूजन टेक्नीशियन आमर एसबीएमसीएच कटक अच्छी सर्टिफिकेट इन रेस्पिरेटरी थेरापी कोर्स एसबीएमसीएच अच्छी सर्टिफिकेट इन कैथलैब टेक्नीशियन एसबीएमसीएच एंड कैपिटल हॉस्पिटल भुवनेश्वर अच्छी सेम डिप्लोमा इन रेडिएशन थेरापी टेक्नीशियन एचआरसीसी कटक अच्छी आमर जोटा कि नुआ आड होती देखो रेडिएशन थेरापी कैंसर इंस्टीट्यूशन सर्टिफाइड ओटी टेक्नीशियन कोर्स एसबीएमसीएच एमकेसीजीएमसीएच भीमसर बुल्ला पीआरएमएमसीएच बीबीएमसीएच बलांगीर एसएलएनएमसीएच एफएमएमसीएच एचआरसीसी कटक अच्छी सेमती सर्टिफाइड ईसीजी टेक्नीशियन ओनली एसबीएमसीएच कटक अच्छी तो इतनी पारामेडिकल कोर्स इतनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोर्स जोटा कि कॉलेज अच्छी फर्दर सीट मैट्रिक्स बाहर बेल आप जानदेवे कौ कॉलेज के सीट मैट्रिक्स रही है सहित प्राइवेट कौटा सब इंस्टीट्यूशन रही भावुची पारामेडिकल कोर्स को लेकिन कि डाउट मुझे क्लीयर करी फर्दर जहाँ भी क्वेरीज अच्छी आप कमेंट रे जनातु से भिड आ फर्दर मेरिट लिस्ट बाहर आम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आनवा यह भिडियो जब भल लगी लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करा जमा भी भूलु कहीं फर्दर इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको आगे मिले थैंक यू।